नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 43 इयर्स है और इनके सवाल है वेल्थ, जो मैं शामिल करता ही हूँ एनालिसिस में, उसका जवाब मिल जाएगा। हेल्थ, उसका भी जवाब मिल जाएगा। करंट सिचुएशन कब तक रहेगी खराब, तो वो भी आपको मैं जवाब फेट लाइन पर आऊँगा तब उसका मिल जाएगा। पार्टनरशिप और सोलो, ये एक ऐसा सवाल है, किसी के भी साथ आप पार्टनरशिप करो, कुछ भी करो, जब राहु रेखा या आपकी फेट लाइन पर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगा या दूसरी रेखाओं पर डिस्टर्बेंस होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बाकी व्यक्ति चाहे उतने लोगों से पार्टनरशिप कर सकता है, ये केवल थियरी रॉन्ग है। जैसे ईश्वर अपने सर पर नहीं लेता कि इसकी मौत हुई, हम क्या कहते हैं, व्यक्ति हार्ट अटैक आने से मर गया, या व्यक्ति को एक्स रोग हुआ इसके लिए मरा, व्यक्ति को वाई रोग हुआ इसके लिए मरा। तो वैसे ही पार्टनरशिप का भी मामला ऐसे ही होता है, हम सोचते नुकसान किया पर वो आपकी तकदीर में लिखा हुआ था, इसके लिए आपने पार्टनरशिप की और गया। अगर आपके एक भी राहु रेखा या बाकी के पॉजिटिव साइन है तो आप जीवन भर पार्टनरशिप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये एक गलत धारणा है। हाँ, आपकी छोटी उंगली अगर बहुत छोटी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अकाउंट्स में ध्यान नहीं दे पाओगे, तो जो प्रॉफिट आना चाहिए वो नहीं ले पाओगे, इससे ज़्यादा कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं होती। फैमिली लाइफ, ये भी शामिल हो जाएगा, और पैसा, तो ये भी आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। इस पाम को देखे तो यहाँ पर एक सीधी लाइन चल रही है, ऐसे लोग समझदार होते और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज देखें तो इस पाम में दो तीन ऐसी खासियतें जो आम लोगों में नहीं मिलती। ये ज़्यादा स्पेस है, तो इस तरह का स्पेस भी व्यक्ति को धनी बनाता है। पाम देखें तो स्क्वेरिश है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। इनका अंगूठा चाहिए वैसा नहीं है, फर्स्ट फैलेंज नुकीला है पर छोटा है, तो जिद कम होती है, और सेकेंड फैलेंज बड़ा है, तो व्यक्ति लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ बात करने में ज़्यादा विश्वास करता है, और जवानी और बचपन में अच्छा खासा समय ये लोग लॉजिक के साथ बात करने में समय व्यतीत कर देते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, कम होता है, पर आज भी वो शौक बना होता है। कभी ना कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, उसके साथ उस तरह की डिस्कशन करने में इनको आनंद आता है। और यहाँ पर मांसल कम है, यानी पैडिंग कम है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है, व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, और सबसे बड़ी खासियत इनकी सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, तो ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते, जेब में 50,000 हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो, ये हाथ 50,000 वाला नहीं है पर एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, जेब में 50,000 हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं। छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, 2 mm छोटी है, तो हार्डली 10-15% थोड़ी सी कमी रहती है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहती है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। इनके फैलेंज कंप्लीट सपाट है, इस तरह के प्रेस किए हुए फैलेंज हो तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है। दूसरी एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आपको लाइनें दिख रही है, ये जब लाइनें होती है तो ये अवरोध भी लाती है विकास के अंदर, और एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इनमें ये रहता है, अगर चार दोस्त एक जगह पर इन्होंने सोचा कि आज मूवी जाना है तो तीन तो तैयार हो जाएंगे, और ये ऐसा व्यक्तित्व होगा जिनकी ये लाइनें होगी, ये सीधा ना बोल देंगे, ये मूवी जाना है तो जाना है, नहीं तो नहीं जाना है, और वो सबकी इच्छा कोई और मूवी की होगी, इनकी इच्छा अलग होगी, तो ये अड़ जाने वाली स्थिति पैदा कर देते हैं, ये एक माइनस पॉइंट इनमें रहता है। और बहुत बार जब आड़ी लाइनें होती है तो ग्रहों की जो शक्ति है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, पर ये पाम अच्छा है, इसके लिए इतनी कमी नहीं है। अब बुध पर्वत पर देखें
तो बहुत बड़ी बड़ी लाइन है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। व्यक्ति सुंदर होता है, वाणी अच्छी होती है। बड़ी लाइनें देखी तो आंख मूंद के कह दो व्यक्ति 100% सफल होगा जीवन में। इतनी छोटी ये लाइनें भी बहुत बड़ा रोल निभाती है जीवन में। अच्छे वार्ताकार यानी किसी को बातों से हीलिंग करनी हो तो ये लोग कर सकते हैं। खुद भले दुखी होंगे पर कोई दुखी आया तो उसको हील कर देंगे। और बिजनेस सेंस तो अपार होता है, सुंदरता भी होती है, वाणी भी ऐसी मधुर होती है कि सामने वाला पिघल जाए। तो ये सारे एडवांटेज इन लाइनों के द्वारा मिल रहे। सूर्य पर्वत पर देखें तो सन लाइन तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पर ये सन लाइन एक्चुअल में एक्टिव हो रही है, स्ट्रांग बन रही है यहाँ से 55-56 के आसपास से, और ये सीधी चल रही है। सन लाइन का मीन्स कंफर्टेबल इनकम, पर ये थोड़ी सी डल है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर ये 55-56 के बाद काफ़ी स्ट्रांग है, तो कंफर्टेबल इनकम इनके जीवन में आएगी। और ये सन लाइन मतलब ही है शुरुआती जीवन व्यक्ति को संघर्ष कराती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कंफर्ट मिलते जाता है और यश भी मिलता है व्यक्ति को। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ भी व्यक्ति जीवन में बनाता है। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा रहता है। अब ये छोटी सी लाइन है पर मैं हर वीडियो में जिक्र क्यों करता हूँ, मैंने ज़्यादातर और ये ज्ञान मुझे पामेष्टी चैनल के बाद प्राप्त हुआ। पहले इस तरह की लाइनें बहुत कम लोगों के हाथों में होती है, ये सबके हाथ में नहीं होती, पर यहाँ पर जो पाम आते लगभग हाथों में दिखती है। जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति होते जीवन में, बेसिक सफलता जिसको मिली हुई रहती है, उनके हाथों में ये लाइन मैंने हमेशा पाई है, तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। लोग इनको पूछ कर काम करते, प्लस जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पूछ कर काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी, और ये लाइन बेसिक सफलता दिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि आपके पास ज्ञान होता है और ज्ञान के कारण आप जीवन में सक्सेसफुल भी रहते हैं। यहाँ पर देखें तो एक लाइन सीधी चल रही है। इस साइन को हमको क्लोजअप में देखने की आवश्यकता है, पहले ध्यान नहीं गया मेरा, इसको क्लोजअप में हम देखेंगे। एक लाइन है, ये हो ना हो ऐसा कार्य इनके जीवन में कराएगी, या तो विदेश से धन प्राप्त करवाएगी, या व्यक्ति के जीवन में ये लाइन आया जैसा काम, जैसे मारुति का सर्विस स्टेशन, गाड़ी मारुति की, नाम मारुति का, और उसको सर्विस देकर पैसा कमाना, यानी किसी और के प्रोडक्ट को बेचना या उसको सर्विस देकर उस पर पैसा कमाना, या तो वैसा काम इनको जीवन में कराएगी, या विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है। और ये एक्टिव हो रही है लगभग इनके उम्र के 44 के आसपास ही, और दूसरी भी लाइनें कंटिन्यू है। ये फेट लाइन पर आऊँगा तब इसके जिक्र करूँगा। तो बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। एक लाइन ऐसी है जो ये लाइन अर्धशुक्र वलय गिना जाता है। अर्धशुक्र वलय का मतलब है मूड स्विंग का प्रॉब्लम, और मैंने इनसे कन्फर्म भी किया आपको मूड, तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया हैवी प्रॉब्लम है, पर ये प्रॉब्लम अच्छा है। जैसे वो ऐड आती है ना, दाग अच्छे है, वैसे ये लाइन अच्छी है। जहाँ आम इंसान 1000 कमाता वहाँ ये लोग लाखों, और अच्छा पाम रहा, इनके जैसा पाम रहा तो करोड़ों भी कमाएंगे, तो ये बेस्ट लाइन है। तो ये मूड स्विंग अच्छा है और कंटिन्यू लाइनें बनी हुई है, तो व्यक्ति को जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे। जब फेट लाइन पर आऊँगा तो एक एक का समय के साथ मैं बताऊँगा। गुरु पर्वत पर ऐसी कोई लाइनें नहीं है, केवल 1, 2, 3, ये 3 लाइनें ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा करती है। और ये इस तरह का गुरु पर्वत खराब नहीं है, पर यहाँ से जब थोड़ा सा भी उभार हो तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में नोक झोंक ज़्यादा होती है। दूसरी चीज रहती है, परिवार के लोग भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस करते रहते, ये माइनस पॉइंट
रहता है व्यक्ति के जीवन में। इसका उपाय मैं दे दूंगा। और गुरु पर्वत ऐसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, फैला हुआ है, तो अपने काम का विस्तार अच्छा खासा व्यक्ति करता है। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है, तो शरीर की एनर्जी मध्यम टाइप की रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं। और थोड़ी सी दो चार लाइनें ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देती है, चिंताग्रस्त रखती है, नेगेटिव तो नहीं कह सकते, चिंताग्रस्त रहती है, छोटी छोटी चीज़ों में चिंता सताती है, पर इतनी भी लाइनें नहीं है कि जिसका उपाय किया जाए। भारी मंगल मध्यम टाइप का, न ज़्यादा स्ट्रांग है न ज़्यादा दबा हुआ है, तो किसी से तो बहुत एनर्जी के साथ मिलते होंगे और किसी से पहले चेक करते होंगे सामने वाला कंफर्टेबल है कि नहीं, बात करने जैसा है कि नहीं, इस तरह का नेचर इनका होगा। चंद्र पर्वत पर देखें तो यहाँ से एक लाइन निकलकर इस तरह से जा रही है, ऐसे लोग विदेश में आना जाना या विदेश में सेटल होना चाहे तो भी हो सकते इस लाइन के बराबर होते, और ये लाइन कंप्लीट होती है तो व्यक्ति विदेश में भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। जीवन रेखा से निकलकर कोई भी रेखा इस तरह से जाती है तो विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस काफ़ी उज्जवल होते हैं इनके। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, विदेश से कनेक्शन आता ही है, जो ये लाइन शो भी करती है, आने ही वाला है। सेकेंड चीज, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, ऐसे लोग जब पैसा कमाते तो इनके ऑफिस के घर के फर्नीचर देखने लायक होते, अच्छे परचेसर होते, ये सारे बेनिफिट चंद्र पर्वत से मिलते। और सबसे बड़े इनके पाम की हाईलाइट है, यहाँ से देखिए एक बुध रेखा निकली और ये पूरी अप टू ऊपर तक जा रही है। अगर किसी के हाथ में इतनी बड़ी बुध रेखा हो उसको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो 100% बड़ा साम्राज्य का कर्ता धरता होता है। अभी तक भी इन्होंने अच्छा खासा बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर लिया होगा और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 100%, क्योंकि जितनी भी ऊपर जाने वाली रेखा है ये सारा धन देती है। ये बुध की छोटी छोटी रेखाओं को भी मैं धन क्यों गिनाता हूँ, एक दो लोगों ने कमेंट भी किया कि हर जगह आप धन देखते हो, तो जीवन में है क्या, धन परिवार ये दो चीज़ें व्यक्ति को सही रूप से मिल गई, जीवन उसका धन्य। तो ये जितनी इतनी बड़ी बुध रेखा बहुत बड़ा साम्राज्य व्यक्ति का क्रिएट करवाती है, बड़े स्तर के बिजनेसमैन होते ये लोग, या जॉब भी करेंगे तो बड़े स्तर की जॉब करते ये लोग, तो ये एडवांटेज इनके जीवन में है। और इसी रेखा से बनने वाला एक पूरा बड़ा सा मनी ट्रायंगल है, जब इस तरह का मनी ट्रायंगल किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो अच्छी खासी समृद्धि पाता है, इनकम के स्रोत अच्छे खासे डेवलप होते हैं जीवन में, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते रहो, ये लाइन ही आपको आगे बढ़ाती रहेगी। शुक्र पर्वत भी देखे तो लग्जरियस लाइन है, ये जीवन में पैसा भी देती है और लग्जरियस लाइफ भी देती है। और शुक्र पर्वत एकदम बैलेंस में, और साथ में गुरु पर्वत भी बैलेंस है, हाँ थोड़ा सा यहाँ से उभार है वो छोड़कर, बाकी साइज के हिसाब से काफ़ी बैलेंस है, तो व्यवस्थित जीवन चलते रहता है, हर तरह का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक फोर्क बन रहा है, इस तरह का फोर्क व्यक्ति को यात्राएं भरपूर कराता है जीवन में, पर जरूरी नहीं कि व्यक्ति जीवन भर यात्राएं करते रहता, कभी कभी 2 साल का दौर आता है, कभी 5 साल का दौर आता है, कभी कभी 20-20 साल का दौर आता है, और बीच में रिलैक्स भी मिलता है, पर ये यात्राएं जरूर करवाती है। अब इनकी हृदय रेखा देखें तो कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होकर सीधी चल रही है। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कहो या माइनस पॉइंट कहो, ये लोग प्यार का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं। आपने गार्डन में देखा होगा हाथ में हाथ डालकर चलने वाले लोग, या फेसबुक पर कपल्स के फोटो डालने वाले लोग, उनके किसी न किसी एक व्यक्ति के हाथ में या जो फोटो डालता है उस व्यक्ति के हाथ में इस तरह की हार्टलाइन होगी जरूर, आप चेक करना, मैंने ये बहुत बार रिसर्च किया इसके बारे में। इनको प्यार का प्रदर्शन करना पसंद आता है, तो ये एडवांटेज भी है, इसको मैं गलत मानता नहीं हूँ, कोई इसमें गलती नहीं है। एक तो चीज़ ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव होता है,
आसपास के लोग, साथ में काम करने वाले लोग, मित्र लोग, सबसे इनके संबंध अच्छे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और गुरु तक छू रही है और कव ले रही है, तो कव लेने वाली रेखा थोड़ी सी भावुक भी बनाती है। ये लोग भावनाओं में भी निर्णय ले लेते हैं। और गुरु तक टच कर रही है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, तो ये एक एडवांटेज भी है। ये इनको सफलता भी दिलाता है ये एक्सपेक्टेशन, तो ये एडवांटेज भी है। पर भावुक बहुत होते हैं। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम दिख नहीं रहा, अच्छा सा कंफर्टेबल जीवन जीता आदमी। और उसमें से भी एक शाखा निकल कर इस तरफ जा रही है गुरु पर्वत पर, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती है। ये कभी कभी परिवार के लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट करती है एक्सपेक्टेशन, क्योंकि परिवार के लोग पेड़ नहीं होते और आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो तो वो व्याकुल होते हैं। पर कमर्शियल लेवल पर ये सफलता भी दिलाती है, क्योंकि सिस्टम से चलने वाले होते हो, आदर्शवादी होते हो, तो सिस्टम से काम करते हो और हाथ के नीचे के लोग भी आपके सिस्टम से काम ले पाते हो और ज़्यादा सफलता पाते हैं। अब आपकी माइंड लाइन को देखें तो पूरी अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है और ये सीधी चलकर आगे चल रही है। अंदरूनी मंगल से शुरुआत हुई तो व्यक्ति प्लानिंग बहुत बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते इम्प्लीमेंट नहीं होते। और यहाँ पर ये माइंड लाइन धीरे धीरे कमज़ोर होते होते चल रही है। ये जनरली इस तरह की माइंड लाइन अगर है तो इस पीरियड से, यानी ये पीरियड से आपको दवाइयाँ कहीं ना कहीं आपको खानी पड़ेगी। ये पीरियड होगा लगभग 55-53 के बाद, ये आपको मानसिक रूप से कोई ना कोई दवाइयाँ लेनी पड़ेगी आपको। हो सकता है एक अल्जाइमर टाइप का रोग होता है जो धीरे धीरे आपकी मेमोरी को कम करता है। पर आपकी सामने फेट लाइन को देखे तो यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है, पर कहीं ना कहीं आपको दबाव तो रहेगा। 52-53 के बाद आपको दबाव जरूर रहेगा जीवन में, क्योंकि माइंड लाइन आपकी कमज़ोर पड़ रही है। और कमज़ोर पड़ रही है तो या तो आपको माइग्रेन की जो तकलीफ़ होती है वो दे सकती है, या अल्जाइमर टाइप का कोई प्रॉब्लम जीवन में क्रिएट हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट धीरे 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 अल्जाइमर में व्यक्ति 20 साल के बाद मेमोरी लेस होता है, और उसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आती। व्यक्ति जब रिटायर्ड होने आता है तब तक तो उसके बिजनेस को संभालने वाले लोग तैयार हो जाते हैं। या माइग्रेन टाइप का कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जीवन में आएगा जिसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ये कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा 52 के बाद, क्योंकि आपकी माइंड लाइन कमज़ोर पड़ रही है। अब आपकी जीवन रेखा पर देखें तो पूरे जीवन में केवल ये लाइन का, अगर ये लाइन होगी तो भी 10-12 साल पहले कोई ना कोई तकलीफ आपको जीवन में आई होगी, या यहाँ पर शादी हुई होगी आपकी। और एक राहु रेखा आपको कट कर रही है जो वर्तमान समय में 42-43, और एक राहु रेखा 57 के आसपास कट कर रही है। ये दो राहु रेखा है और ये भी कोई स्ट्रांग नहीं है और ये भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपका प्रॉब्लम दूसरा है, फेट लाइन पर है, और ये पूरी जीवन रेखा चलकर सीधी चल रही है और दो फोक बन रहे। तो जीवन रेखा अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्थ्य में इतना कोई प्रॉब्लम जीवन में रहेगा नहीं। और इस राहु रेखा के बाद भी अगर ध्यान से देखें तो एक ऑफशूट भी जा रहा है यहाँ पर। हम क्लोजअप पर ही चलते हैं इनके। ये राहु रेखा और यहाँ पर एक ऊपर की तरफ भी लाइन जा रही है, या तो ये पीरियड में भी आपको कोई ना कोई रुकावट आई होगी एक आध साल पहले भी, तो ये भी राहु रेखा हम गिन सकते हैं। और उसके बाद केवल एक राहु रेखा आपको कट कर रही है, ये भी कोई स्ट्रांग नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं। बाकी यहाँ पर कुछ भी और ना ही यहाँ पर है, और ये इसके 15-20 साल के बाद एक राहु रेखा है जिसका जिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये एक रेखा आपको विदेश में घर
या प्रॉपर्टी भी दिला सकती है, और छोटे छोटे ऑफशूट भी आपको यहाँ पर मिल रहे, ये आपको सफलता भी दिलाते रहेंगे। और ये बड़ा ट्रायंगल आपको बुढ़ापे में अच्छी खासी संपत्ति दिलाएगा। तो ओवरऑल ज़्यादा टेंस वाला मामला नहीं, टेंस वाला मामला इनकी फेट लाइन पर है। चंद्र पर्वत से शुरू हुई रेखा और ये यहाँ आकर स्टॉप हुई, एक रेखा इनकी और चंद्र पर्वत से शुरू हुई और ये सीधी चलकर आगे चल रही है। अब इस रेखा पर देखें तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर ये कट आया, सीधा कट है, ये कोई ना कोई आर्थिक नुकसान इनको दिया होगा और ये पीरियड होगा वर्तमान समय में ही, ये 40 42.5 के आसपास इस रेखा ने काटा है, तो ये एक साल तक आपको तकलीफ देगी ये रेखा। पर उसके पहले भी 39 से छोटी छोटी रेखाओं ने आपको डिस्टर्ब किया हुआ है, और ये जो समय है आपका वर्तमान समय, ये हार्डली ये जो कट लगा है ये 1 से 1.25 साल आपको परेशान करेगा ये कट, और उसके बाद चल रही, और एक हल्का सा ये जो पीरियड आएगा लगभग 46 के आसपास, 45-46 के आसपास ये थोड़ी सी 12th मंथ आपको परेशानी देगा, उसके बाद तो ये लाइन सीधी चल रही है। और एक आपका अगर यहाँ से शुरू होती होगी तो 44 के आसपास, नहीं तो ये आगे चलकर ये एक रेखा और डेवलप हो रही है, एक रेखा आपके उम्र 48 के आसपास और एक डेवलप हो रही है। बहुत बार ये रेखा रेंटेड इनकम की ओर इशारा जाता है, एक और रेखा चल रही है, तो बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम के स्रोत आपके बने हुए हैं, और ये जो बिजनेस होगा वो यहाँ आकर डल हो जाएगा। ये उम्र होगी लगभग आपकी जो अभी वर्तमान में जो बिजनेस कर रहे हो ये 51 के आसपास स्लो हो जाएगा, और यहाँ पर नरम पड़ जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आपका छूट जाएगा, और ये जो बिजनेस आपने शुरुआत की होगी इस पर कॉन्सेंट्रेशन आपका जाएगा, और एक अच्छा सा बिजनेस यहाँ पर भी डेवलप होगा 48 के आसपास, और ये भी इस पर भी ज़्यादा फोकस रहेगा, और छोटे मोटे इनकम की लाइनें और डेवलप होती रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो जैसे जैसे आप बुढ़ापे की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ता जाएगा, मल्टीपल इनकम के स्रोत, एक समय तो आपके पास 4-4, 5-5 जगह से इनकम आएगी। तो इस तरह का बेटर कंडीशन वाला हाथ है, और नेचुरल है जिसके हाथ में इतनी बड़ी बुध रेखा हो उस व्यक्ति को कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं होती, प्रोग्रेस करते ही है और अच्छा खासा प्रोग्रेस करते हैं, छोटा मोटा नहीं। तो काफ़ी उत्तम हाथ है, वर्तमान समय बहुत शॉर्ट रह गया है, उसके बाद आपका, और ये भी जो कट है आपको वर्तमान समय में भी वो क्रॉस में नहीं कट रहा है, अगर क्रॉस में काटे तो अच्छा खासा आर्थिक नुकसान जाता है, केवल हल्की सी लाइन ने सीधा काटा है तो कोई ना कोई आर्थिक नुकसान गया होगा आपको, और ये रेखा के कारण भी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान जाता है, बाकी कोई डल स्थिति नहीं है। हाँ, केवल ये बिजनेस आप 51 तक बहुत स्ट्रांगली करोगे, उसके पहले आपका कोई ना कोई और बिजनेस डेवलप हो जाएगा जिस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा, और ये एक सिंपल सा बिना एनर्जी वाला फिर रह जाएगा ये बिजनेस आपका। तो आशा रखता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।